हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था विकास। तो विकास में हमने विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास से पहले सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है कि संवेग क्या होते हैं। तो संवेग वही होते हैं जिनको हम कहते हैं इमोशन, ठीक है, चाहे वो क्रोध हो, हंसी हो हमारी, ठीक है, या हमारा डर हो, ये क्या होते हैं? संवेग होते हैं। तो संवेग का अर्थ है व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यानी कि ऐसी उत्तेजित दशा जिसमें व्यक्ति जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। चाहे वो उसका गुस्सा करना हो, तब भी व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, या उसका अत्यधिक खुश होना हो, तब भी वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। तो संवेग का अर्थ क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लेटिन भाषा के शब्द इमोवर से हुई है। तो ये इंग्लिश का शब्द है इमोशन, और इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द इमोवर से हुई है। इसका अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, या उथल पुथल, या हलचल। तो संवेग एक वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, ठीक है। तो संवेग क्या होते हैं? जैसे कि डर है, डर क्या है? एक प्रकार का संवेग है। क्रोध है, ठीक है, या फिर प्रेम है, स्नेह है, ये सभी क्या है? संवेग है, इमोशन है, एक तरीके के भावनाएं हैं एक तरीके की, और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो आंतरिक स्तर पर होती है। संवेग जो है, इनकी उत्पत्ति जो है वो आंतरिक स्तर पर होती है, जिन्हें वह बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा जो है अभिव्यक्त करता है कोई भी व्यक्ति। जैसे कि क्रोध जो है वो एक कैसा संवेग है? एक नकारात्मक संवेग है, ठीक है, और ये आंतरिक स्तर पर जो है वो उत्पन्न हुआ, और क्रोध आने के बाद हमारी आंखें कैसी हो गई? लाल हो गई, यानी हमने जो है बाहरी जो शारीरिक पक्ष है उसके द्वारा जो है इसको अभिव्यक्त किया, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो अभी आप ध्यान में रखें कि संवेगों की उत्पत्ति आंतरिक स्तर पर होती है। जैसे कि क्रोध आना, तो क्रोध जो है वो आंतरिक स्तर पर होगा, लेकिन इसका जो बाहरी शारीरिक पक्ष है, यानी आंखों का लाल होना, इसके द्वारा जो है इसे अभिव्यक्त किया जाता है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि संवेग जो है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ठीक है। रॉस का क्या कहना है कि संवेग जो है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो जो संवेग है उसमें उन भावनाओं को हम सम्मिलित कर सकते हैं जो कि कैसी हों? व्यक्तिगत हों, ठीक है। हम संवेग को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि खुशी मैंने बताया, दुख हो गया, क्रोध हो गया, या किसी से घृणा हो गई। हमारे जो पूर्व अनुभव हैं, संस्कृति है जिससे कि हम जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं को जो है ये क्या करते हैं? एक आकृति प्रदान करते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में क्या देखते हैं? एक डंडा जो है वही देख लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम वहां से भाग निकलते हैं, ठीक है, और अपने आप को या फिर लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से जब एक जो प्रसिद्ध गायक समझ लीजिए, सिंगर समझ लीजिए, जो आपके पड़ोस में रहता हो, तो आप जो है उससे अपने प्रिय गीत सुनने के लिए चले जाओगे, ठीक है। तो संवेग जो है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। वहीं बुडवर्थ कहते हैं कि संवेग जो है वो व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। क्योंकि संवेग जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? अनुभव होता है, ठीक है। और जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तो उसके शरीर में जो है कुछ चेंजमेंट होते हैं, जैसे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाना जब उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और उसकी जो पुतली है उसका बड़ा हो जाना, सांस तेज हो जाना, ठीक है, मुंह जो है वो रूखा रूखा सा हो जाना, पसीना निकल आना, ठीक है। ये हाल जो है उस वक्त भी होता है जब हम जो है एग्जाम सेंटर पर बैठकर एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन जो है, जो अनुभव किए जाते हैं, तो यही जो है वो संवेग कहलाता है जिसमें हम अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहते। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकरण आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। तो किसके साथ जुड़ी होती है? ये आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। और इसकी जो अभिव्यक्ति है वो कैसे होती है? व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी जो व्यवहार होते हैं उनके द्वारा होती है। तो ये चीज मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दी थी कि जैसे कि क्रोध है, तो क्रोध जो है वो कैसा है?
तो ये जो है एक आंतरिक स्तर पर है, क्रोध जो संवेग है वो आंतरिक स्तर पर है, ठीक है, ये आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ा है। और इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति कैसे करता है, उसकी आंखें जो है वो जो रेड कलर की हो जाती हैं, गुस्से की तरीके से जो है वो दूसरे व्यक्ति को देख रहा होता है, तो जो भी बाहरी व्यवहार हो रहे होते हैं उसके द्वारा जो है उसको अभिव्यक्त करता है, ठीक है। अगला देखिए, जर्सील का कहना है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था जो है वही संवेग कहलाती है। गेट्स का कहना है कि बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं यानी कि उसके शारीरिक, मानसिक, ठीक है, उसके अनुरूप होता है और उनसे जो है उनका अंतः संबंध होता है। तो जहाँ पर व्यक्ति जो है वो जिसको बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उसका मानसिक विकास पर जो है इफेक्ट डालेगा, और उसके मानसिक विकास पर इफेक्ट आया है तो उसके जो है फिजिकल जो डेवलपमेंट है वहाँ पर भी असर आएगा। तो इसीलिए गेट्स का क्या कहना है कि बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार जो है उसके विकास के अन्य पहलुओं पर भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनसे जो है उनका अंतः संबंध होता है। तो इसी प्रकार संवेग के जो है तीन पक्ष होते हैं, एक तो भावात्मक है, दूसरा शारीरिक है और तीसरा व्यवहारात्मक है। अब देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, जन्म के समय किसी विशिष्ट संवेग की उपस्थिति के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। जहां मैंने आपको वॉटसन की बात बताई, वॉटसन कहते हैं कि तीन संवेग जो हैं, फियर, एंगर और लव, ये जो जन्मजात होते हैं और 2 माह के बालक में ये चीजें होती हैं, तीनों संवेग पाए जाते हैं। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तो किसी विशिष्ट संवेग की उपस्थिति जन्म के समय जो है वो हमें इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। संवेग जो है वो जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान जो है उसका विकास होता है। तो स्पिरिट्स के अनुसार जो है संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, बल्कि मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे जो है उसका संवेगात्मक विकास होता है। जन्म के समय और उससे कुछ देर बाद संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस प्रकार शिशु में कोई ऐसे स्पष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चलता है जिससे कि विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के रूप में पहचाना और जाना जा सके। तो यहाँ पर यही बात समझ में आई है कि जन्म के समय किसी भी प्रकार के संवेग जो है वो नहीं होते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है संवेग जो है वो उसमें आते जाते हैं और फिर उसके बाद तेज गति से जो है वो संवेग बढ़ते हैं जिस तरीके से आयु बढ़ती है। ब्रजेश का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, तो ब्रजेश का क्या कहना है संवेग के संबंध में, इन्होंने सांवेगिक विभेदीकरण का सिद्धांत दिया। ये भी नहीं मानते हैं कि जो संवेग हैं वो जन्मजात होते हैं। वॉटसन की बात को जो है ये नकारते हैं कि संवेग जो है वो जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यानी जन्म के समय किसी भी प्रकार का संवेग नहीं पाया जाता है। ब्रजेश का मानना है कि सांवेगिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का मतलब क्या है, यानी कि सारे संवेग जो है वो एक साथ नहीं आ जाते हैं बल्कि एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित आयु में ही संवेग जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे कि जन्म के समय बताया कि केवल सामान्य उत्तेजना होती है, कोई भी संवेग नहीं होता है। 3 माह का जो बच्चा होता है उसमें सबसे पहले जो संवेग उत्पन्न होता है वो होता है कष्ट। उसके बाद 6 माह का जो बच्चा होता है उसमें क्रोध, भय और घृणा, ये 3 संवेग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 1 साल का जो बच्चा होता है यानी कि 12 माह का जो बच्चा होता है तो उसमें आनंद, उल्लास, स्नेह और प्रेम, ये संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें जो आनंद संवेग जो है उत्पन्न होता है तो इसी से 2 संवेग, उल्लास, स्नेह या जिसे हम प्रेम कहते हैं, ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं। 18 माह का जो बच्चा होता है तो उसमें दुख से जो है ईर्ष्या संवेग की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या जो है वो कब होती है, जब किसी चीज से वो दुखी होता है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईर्ष्या संवेग की उत्पत्ति जो है वह किस संवेग से होती है, तो दुख से होती है।
दो वर्ष का जो बच्चा होता है यानी 24 महीने का बच्चा होता है, तो उसमें जो आनंद संवेग जो उसका एक वर्ष में उसमें आ गया था, तो उस आनंद से जो है वो हर्ष संवेग जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। और व्यक्ति में अंतिम विकसित उत्पन्न होने वाला संवेग जो है वो यही है, हर्ष। कौन सा है? हर्ष है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैकडूगल ने सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवेग जो है वो भय संवेग को बताया है। और यहां पर ये चीज आप याद रखेंगे कि ब्रजेश ने जो अंतिम संवेग बताया है कि व्यक्ति में जो अंतिम संवेग विकसित होता है वह होता है हर्ष संवेग। बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास, बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की उम्र, बाल्यावस्था के शुरू होने तक बालक में प्राय सभी संवेगों का जन्म हो चुका होता है। इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति के ढंग से काफी परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था यहाँ पर जो है संवेगों का जन्म जो है वो है हो चुका होता है, और इस अवस्था में जो है वो काफी चेंजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं संवेगों में। तो ये जो संपूर्ण बाल्यावस्था है इसमें संवेगों की अभिव्यक्ति में जो है वो लगातार जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि वो 6 से 12 वर्ष की उम्र ही यह होती है जहां पर बच्चा जो है वो हर संवेगों पर जो है वो नियंत्रण नहीं रख पाता है। संवेगों की दमन करने की क्षमता जो है यहां पर आ जाती है, और यानी कि अंत तक बाल्यावस्था का जो अंतिम पड़ाव है वहां पर संवेगों की दमन करने की क्षमता आ जाती है, यानी उसको जो है वो बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो और उसे जो है वो वहां पर दबाने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण जो है वो शुरू हो जाता है। बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का जो है वो व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन जो है वो बालक को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सिखाया जाता है और उसको समझ में भी आता है, ठीक है। तो संवेगों को किस प्रकार से नियंत्रण करना है तो ये चीज जो है वो विद्यालय में उसे भली भांति से सिखाई जाती है। तो इसीलिए संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण जो है उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के कारण इस अवस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से संवेग जो है तो इनमें भी जो है जो संतुलन होता है संवेगात्मक संतुलन वो भी बिगड़ जाता है। तो ये माना जाता है कि अन्य किसी अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव इतना भीषण नहीं होता जितना कि इस अवस्था में पाया जाता है। तो जहां पर जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उसी तरीके से मानसिक परिवर्तन जो है वह भी पड़ते हैं यहाँ, ठीक है। और शारीरिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तन के साथ संवेगों पर जो है वो बहुत अधिक जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है। शिशु की भांति ही किशोर जो है क्षण में जो है वो रुष्ट हो जाएगा और क्षण में जो है तुष्ट हो जाता है, और यहाँ बहुत चंचल और अस्थिर जो वह होता है, ठीक है। तो जहां शैशव अवस्था में ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, जहां पर जो संवेग है वो कुछ क्षण के लिए जो है हम देखते हैं बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन उनको समझाने पर जो है वो शांत हो जाते हैं, वही स्थिति किशोरावस्था में भी होती है। बी एन झा कहते हैं कि किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार जो है उस पर असाधारण प्रभाव डालती है। तो यही वो स्थिति होती है जिसमें स्टेनले होल कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो बालक की ऐसी अवस्था है, ऐसी तूफान की अवस्था है जहां पर शारीरिक परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक परिवर्तन संवेगों में परिवर्तन जो है वह होता है, ठीक है। किशोरों के लिए अपने संवेग पर नियंत्रण करना काफी कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो किस तरीके का आएगा कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो वहां पर आप आंसर लगाएंगे किशोरावस्था को, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉल एवं ब्रूस का क्या कहना है कि किशोरावस्था के आगमन की मुख्य चिन्ह, यानी किशोरावस्था आ चुकी है इसका जो चिन्ह है वो कैसे पता लगता है,
संवेगात्मक विकास में जब बहुत अधिक तेज गति से परिवर्तन हमें दिखाई देता है तो इसका अर्थ क्या लगाते हैं कि किशोरावस्था में जो है बालक ने प्रवेश कर लिया है। ठीक है, किशोरावस्था के आगमन की मुख्य चिन्ह जो है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। हेडो रिपोर्ट जो है इसमें कहा गया है कि युवाओं की धमनियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ही एक ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह ज्वार बाढ़ का रूप जो है वो धारण कर सकता है, परंतु इस प्रचंड जल प्रवाह को पूरी शक्ति के साथ अनुकूल दिशा में प्रवाहित किया जाए तो यह अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुंच सकता है। यानी कि यही वो उम्र होती है, हम देखते हैं कि 12 वर्ष के बाद की जो उम्र होती है, जहां पर जो बच्चा होता है उसको यदि हम अनुकूल वातावरण प्रदान करें, उसे अच्छे से जो है वो समझाया बुझाया जा सके, तो वो अपने जो है लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो है सीधे जो है वो कार्य करेगा, अन्यथा जो है वह अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो यही वो उम्र होती है जहां पर हमें बच्चों को जो है वो आराम से प्यार से जो है उनको समझाना चाहिए। ठीक है, कि ये चीज जो है वो गलत है और ये चीज जो है वह सही है, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें जो है ये कार्य करने चाहिए। तो यदि हम उनको अच्छे से समझाते हैं तो उनको समझ में भी आती है बातें, वरना वो गलत दिशा में यदि चले जाते हैं फिर उनको वापस लाना जो है वो आसान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये जाना कि संवेग जो है जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, इसकी प्रकृति जो है वो क्षणिक होती है। ठीक है, हमेशा स्थायी नहीं होती है, संवेग सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक कैसे, जैसे कि खुशी है, प्रेम है, हर्ष है, ये क्या है, सकारात्मक है। वहीं पर डर है, घृणा है, क्रोध है, ये नकारात्मक होते हैं। ठीक है, और जो ये संवेग हैं तीनों, भय, क्रोध और घृणा, तो 6 महीने में जो है दुख जो संवेग होता है उससे उत्पन्न होते हैं ये तीनों संवेग। तो चलिए चैप्टर को जो है वो आप पढ़िएगा अच्छे से और इसको रिवाइज करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।